Masha's Spooky Stories. अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही डरावनी कहानी। सुनिए, ये छोटी लड़की बहुत डरती थी हर तरह के जानवरों से। हमेशा नहीं डरती थी, सिर्फ तब जब उन्हें देख रही होती थी। एक वक्त की बात है, वो रात बड़ी ही अंधेरी और काली थी कि तभी अचानक दिन निकल आया और लड़की ने टहलने जाने का फैसला किया। अचानक उसने अपने सामने देखा सबसे बड़ा और सबसे खूंखार और डरावना जानवर, एक चूहा। लड़की बहुत डर गई और जोर से चीखने लगी, पर इसका उस खूंखार जानवर पर जरा भी असर नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। वो क्या कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती। वो बस पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ के नीचे खड़े होकर चूहे ने बड़े दांतों वाला अपना छोटा सा मुंह खोला और वो जोर जोर से हंसने लगा। चूहे को हंसते देखना अनोखी बात होती है। जब लोग डरते हैं तब चूहे उन्हें देखकर हंसने लगते हैं, और इस मंजर को देखना बड़ा ही डरावना होता है। पर फिर मामला और भी बिगड़ गया। न जाने कहां से अचानक सामने आ गया डरावना जानवर नंबर टू, एक शिकारी बिल्ली। तो अगर वो शिकारी बिल्ली इस खूंखार जीव यानी कि चूहे को खा जाती है, तो फिर उसके लिए एक छोटी बच्ची को खाना तो बच्चों का खेल होगा। वो खूंखार जीव यानी चूहा डर के मारे चिल्लाने लगा, तो वो भी पेड़ पर चढ़ गया। वो लड़की चूहे से दूर और ऊपर चली गई। पेड़ के नीचे खड़ी बिल्ली ने ऊपर उनकी ओर देखा और फिर मोटी सी आवाज में हंसने लगी। उसके बाद एक भयानक बात हुई। एक बड़ा ही डरावना मॉन्स्टर उसके सामने आ खड़ा हुआ, एक बड़ा ही खूंखार किस्म का डॉग, एक लैप डॉग। फिर बिल्ली डॉग से दूर ऊपर चढ़ गई, वो चूहा बिल्ली से दूर ऊपर चढ़ गया और वो लड़की उन दोनों से दूर ऊपर चढ़ गई। वो लैप डॉग इतना जोर से हंसा कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। पर उस डॉग की हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि वहाँ शेर आ पहुँचा। एक्चुअली डॉग्स को पेड़ों पर चढ़ना नहीं आता है, पर अगर कोई शेर आ जाए तो वो जल्दी से सब सीख जाते हैं। वो डॉग शेर से दूर ऊपर चढ़ गया, बिल्ली डॉग से दूर ऊपर चढ़ गई, चूहा बिल्ली से दूर ऊपर चढ़ गया और लड़की डर के मारे और ऊपर चढ़ गई। फिर वो शेर घोड़े जैसी आवाज में हंसने लगा। शेर को जंगल का राजा कहते हैं, पर उससे बड़े जानवर भी होते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा डरावने भी। वहाँ आया एक हाथी और वो हाथी हंसने लगा। जब एक हाथी की सूंड से हंसी बाहर निकलती है तो खेल खत्म, आपका रोम रोम कांपने लगता है, वो इतना डरावना होता है। अब वो शेर हाथी से दूर ऊपर चढ़ गया, फिर ऊपर गया डॉग और फिर बिल्ली, फिर वो चूहा और फिर वो लड़की पेड़ पर सबसे ऊपर चढ़ गई। लड़की ने ऊपर चढ़ते हुए सोचा, ये पूरा जू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो सोच ही रही थी कि उसकी मुसीबतों का कभी कोई अंत नहीं होगा, तभी उसे पेड़ का अंत दिख गया और वो लड़की उस ऊंचे पेड़ पर से नीचे गिर ही गई होती, अगर उस दिन एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने आसमान में गुब्बारे नहीं छोड़े होते एनिमल राइट्स डे के मौके पर। लड़की की किस्मत अच्छी थी, उसने एक गुब्बारा पकड़ लिया, पर चूहा नहीं पकड़ पाया, उसका बैड लक खराब था, वो गिर गया हाथी पर। और फिर पता चला कि हाथी इतने बड़े जानवर होने के बावजूद भी दूसरे जानवरों से डरते हैं। पता चला कि बड़े हाथी डरते हैं छोटे चूहों से, बिल्कुल छोटी लड़कियों की तरह, और एक दूसरे से डरने का वो सिलसिला फिर से शुरू हो गया। और सारे जानवर उस लड़की के बारे में भूल गए, जैसे वो हाथी ही नहीं, वो तो बस एक दूसरे से डरकर गोल गोल घूमने में बिजी थे। लड़की ने सभी जानवरों को देखा और खुद से कहा, न जाने मैं इनसे दूर क्यों भागती थी। तभी लड़की के डैडी घर आ गए। उन्हें जानवरों से बड़ा लगाव था और उन्होंने सभी को फिर से सही ऑर्डर में रख दिया। मैं ये
यही कहना चाहती हूँ, हमें जानवरों से प्यार करके उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनसे डरना नहीं चाहिए। कोशिश करने के बाद भी अगर आपको उनसे डर लगता है तो मदद के लिए किसी को बुला लेना, जैसे आपके डैडी को, क्योंकि अपने डैडी पर चढ़ना पेड़ पर चढ़ने से ज्यादा इंटरेस्टिंग और सेफ होता है। हे दोस्तों, आप सभी को कुछ और मजेदार चीजें देखनी है तो बस अभी यहाँ क्लिक करें और फौरन हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करना मत भूलना, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अच्छा दोस्तों, अब मैं चली।